नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दिल्ली NCR में। दोस्तों, मैं हूं रंजीत और आज मैं आपको एक ऐसी बिज़नेस के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, आज एक ऐसे बिज़नेस के बारे में हम बात करेंगे जो सिर्फ़ एक बार आप इन्वेस्ट करके सालों साल उसका प्रॉफिट ले सकते हैं। आपको पता चल गया होगा, आज मैं आपको लेके चल रहा हूँ फैंसी ड्रेस की मार्केट, होलसेल मार्केट। यहाँ पे आपको हर तरह के कपड़े मिल जाएंगे, एक से एक, कम रेट से ज़्यादा रेट तक के हर तरह के कपड़े जो फैंसी ड्रेस बनाने में यूज होते हैं, जो भगवान के कपड़े वगैरह बनाने में यूज होते हैं। इसका यूज़ डेकोरेशन के लिए भी किया जाता है। आप देखते होंगे पार्टी वगैरह में भी जो डेकोरेट करते हैं, या बड़े बड़े जो टेंट वाले होते हैं, वो सब को इन कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये मल्टीपर्पज़ कपड़ा होता है और इसकी ये खान है जहाँ पे मैं आज लेके जा रहा हूँ आपको। यहाँ पे सबसे बड़ा, ये दिल्ली का सबसे बड़ा शॉप है जहाँ पे मैं लेके आपको आया हुआ हूँ, और आप देख पा रहे होंगे ये एक से एक आपको यहाँ पे कपड़े मिल जाएंगे। नेट के कपड़े चाहिए, प्रिंटेड कपड़े चाहिए, और ये सारी वो कपड़े हैं जो फैंसी ड्रेस बनाने के काम में आते हैं। आप फैंसी ड्रेस का बिज़नेस घर से कर सकते हैं, और ये एक ऐसा बिज़नेस है कि जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा, धीरे धीरे वो आपको ढूंढते हुए आपके घर तक पहुंचेंगे। जब नीड होती है इसकी, कई बार आपको भी ऐसी ज़रूरत पड़ी होगी जब आपके बच्चों के स्कूल से डिमांड आते हैं कि अलग अलग फंक्शन में, तो आप ढूंढ रहे होते हैं कि ये कपड़े कहाँ से मिलेंगे। अलग अलग थीम होती हैं, अलग अलग प्रोग्राम के हिसाब से ड्रेस चाहिए होता है, और स्कूल वाले खुद सजेस्ट कर रहे होते हैं। बहुत बार हमने देखा है मोबाइल पे मैसेज भेजते हैं पेरेंट्स के कि यहाँ से आपको फैंसी ड्रेस के कपड़े मिलेंगे। तो ये आप कहीं पे बैठ जाएंगे, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसकी शॉप मेन मार्केट में खोलें। आप घर से ये काम कर सकते हैं, और ये पूरी फैमिली बिजनेस है। आपके अलावा कोई भी पूरी फैमिली आपको इसमें मदद करेगा, और कोई भी फैमिली का मेंबर इसे संभाल सकता है। और ये ऐसा काम है, बस एक बार लगाना है आपको, मेन इन्वेस्टमेंट एक बार करना है, और ये बार बार आपको इसका पैसा मिलता है। जिस तरह से देखते हैं लोग घर किराए पे चढ़ा देते हैं, या और भी बहुत सारे तरीके होते हैं किराए पे, तो उसी तरह ये कपड़ा आपको एक ही कपड़े से, जो एक कपड़ा आपने 200 या 300 रुपीज़ का सिलवाया है शर्ट, वो 100 बार कम से कम जाएंगे रेंट पे। और रेंट इतना महंगा होता है दोस्त इसका, मैं खुद कई बार अपने बच्चों के लिए लिया हूँ, एक एक कपड़े का रेंट 200-250 तक लेते हैं ये, और उसके बाद भी वो आपसे सिक्योरिटी जमा करवाएंगे। जो कॉस्ट होती है, अगर 500 का कपड़ा है तो 500 डिपॉजिट कराएंगे आपसे, और उसके बाद आपको बोलेंगे जब आप वापस करेंगे कपड़ा तो आपका रेंट काट करके हम आपको पैसा देंगे। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें घाटा तो हो ही नहीं सकता, घाटा होने का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि अगर कोई वापस नहीं भी करता है आपका कपड़ा तो उससे ज़्यादा पैसा आपने पहले से उनसे डिपॉजिट करवा रखा है, तो घाटा होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इससे अच्छा बिज़नेस और कोई नहीं हो सकता, और ये ऐसा बिज़नेस है जो सालों भर चलेगा, खासकर छुट्टी के दिन जब होते हैं, जब कई बार त्यौहार हो रहा होता है, फंक्शन हो रहे होते हैं स्कूल में, इतनी डिमांड होती है कि आपको टाइम नहीं मिलेगा इन चीज़ों के लिए। और अगर आप थोड़ी सी मेहनत करते हैं दोस्त, अगर आप कुछ स्कूल्स वगैरह में कांटेक्ट कर लेते हैं, या अपने लोकल एरिया में आप पंपलेट भिजवा देते हैं, आप बंटवा देंगे घर घर में, आप कार्ड्स वगैरह भिजवा दीजिए, मैसेज कर दीजिए, जब लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ पे फैंसी ड्रेस मिलेगी, लोग नेट पे सर्च करते हैं। मैंने खुद कई बार अपने बच्चों के लिए नेट पे सर्च करके 10 किलोमीटर दूर से कपड़े लेके आए हैं उनके लिए। तो ये आपके साथ भी होता होगा कई बार, और बहुत ज़रूरी होता है फैंसी ड्रेस के लिए। तो यहाँ पे ऐसे कपड़े मिल जाएंगे, और अगर आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, नो डाउट थोड़ा पैसा लगेगा, मिनिमम 50,000 रुपीज़ तो चाहिए इस काम को स्टार्ट करने के लिए। और अगर आपके पास है पैसा तो आप ये कहीं पे भी स्टार्ट कर सकते हैं काम को, अपने घर से। कोई ज़रूरी नहीं है आपको कहीं पे शोरूम या इसके लिए दुकान लेने की, अपने घर से स्टार्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया काम है ये, और मुझे अच्छा लगा जब मैं इस मार्केट में विजिट कर रहा था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। और पिछले कुछ दिनों में बहुत फ्रेंड के रिक्वेस्ट भी आ रहे थे कि सर कुछ ऐसा काम बताइए जो हम घर बैठे कर पाएँ, और
कोई घाटा ना हो। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें घाटा होने का सवाल ही नहीं होता। दोस्तों आज अगर पहली बार आप लोगों ने हमारा चैनल स्टार्ट किया है, आप वीडियो देखना शुरू किया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे रेड कलर का बटन है और उसके बाद बेल का आइकॉन भी आएगा, उसको भी प्रेस कर लीजिएगा। तो जो भी वीडियो नए नए अपलोड करते हैं, हम हर दिन एक वीडियो डालते हैं, तो आपको मैसेज आते रहेगा, नोटिफिकेशन आएंगे और आप हमारे सारे वीडियो सबसे पहले फ्री में देख पाएंगे। इसका कोई चार्ज नहीं है, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल ही फ्री है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक से एक आइडिया जो भी मैं हो पाता है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बहुत सारी चीज़ें आपसे भी सीखने को मिलती है और बहुत लोगों को फ़ायदा भी हुआ है इन चीज़ों का। तो अगर इस तरह की ड्रेस आप लेना चाह रहे हैं, आपके मन में चल रहा है कोई आइडिया, पैसे हैं आपके पास और आप सोच रहे हैं कुछ बिजनेस करूं और आइडिया नहीं आ रहा है, तो ये बहुत ही अच्छा आइडिया है दोस्तों, आप बताइएगा हमें। दोस्तों जो माता की चुन्नी बनती है, जो देखते होंगे मार्केट में चुन्नी वगैरह बनती है माता की, या कपड़े होते हैं भगवान के, वो सब भी यहीं से, यही कपड़े होते हैं जिससे बनाए जाते हैं और यहाँ से ऑल वर्ल्ड में सप्लाई होता है। ये बता रहे थे हमें इसके ऑनर कि इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड में हमारे यहाँ से कपड़े जाते हैं। तो सोच सकते हैं यहाँ पे कितना अच्छा कपड़ा आपको मिल जाएगा और आपके ऑर्डर के हिसाब से भी ये बना देंगे। आपको अगर अपने डिज़ाइन के हिसाब से बनाने हैं तो वो कपड़े भी आपको अपने डिज़ाइन के हिसाब से मिल जाएंगे। आपको पहले ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा उसके लिए और एक से एक कपड़े आपको अपने हिसाब से मिल जाएंगे दोस्तों। तो काफ़ी अच्छा बिज़नेस है और अगर आपको अच्छा लगता है ये बिज़नेस तो ज़रूर आप कीजिए इस बिज़नेस को। बहुत ही बढ़िया और प्रॉफिटेबल बिज़नेस है और हमेशा चलेगा और बहुत अच्छे आप पैसे कमा पाएंगे और एक ही कपड़े बार बार आपको बहुत सारे पैसे कमा के देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक नई वीडियो के।